मैं आज हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण के काम के संबंध में मैं खास करके मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं जो तीन तलाक के कारण बहुत ही दुर्दैव जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुई है, कोई आश्रय नहीं बचा है। और ऐसी पीड़ित, तीन तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया, देश के बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया, देश के मीडिया ने भी उनकी मदद की, पूरे देश में तीन तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली उस मेरी बहनों को जो तीन तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। और मुझे विश्वास है कि माताओं बहनों को अधिकार दिलाने में, उनकी इस लड़त में हिंदुस्तान उनकी पूरी मदद करेगा, हिंदुस्तान पूरी मदद करेगा। और विमेन एम्पावरमेंट के इस महत्वपूर्ण कदम में वो सफल होकर रहेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। उस समय भारत छोड़ो का नारा था, आज नारा है भारत जोड़ो। व्यक्ति व्यक्ति को हमने साथ लेना है, जन जन को साथ लेना है, समाज के हर तबके को साथ लेना है, और उसी को लेकर के हमें देश को आगे बढ़ाना है। समृद्ध भारत बनाने के लिए हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए, संतुलित विकास चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तब जाकर के हमारे सपनों के भारत को हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। भाइयों बहनों, अनगिनत निर्णय हमने तीन साल में किए हैं। कुछ चीजों को नोटिस किया गया है, कुछ चीजें शायद नोटिस में नहीं आई है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, जब आप इतना बड़ा बदलाव करते हैं तो रुकावटें आती हैं, गति रुक जाती है। लेकिन ये सरकार की कार्यशैली देखिए, अगर ट्रेन भी किसी रेलवे स्टेशन से पास गुजरती है, जब ट्रैक बदलती है तो 60 से चलने वाली स्पीड को उसको 30 के स्पीड में लाना पड़ता है। ट्रैक बदलने पर ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। हमने पूरे देश को एक नए ट्रैक पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने उसकी स्पीड कम न होने नहीं दी है, हमने उसकी गति को बरकरार रखा है। चाहे GST लाए हो, कोई भी कानून लाए हो, कोई भी नई व्यवस्था लाए हो, हम उसको करने में सफल हुए हैं और हम आगे भी इसको हम करेंगे।